मुझे दीवाला वेरी थाई रे थाई रे ये जग या खुरे जाकर तू यो मना वाला वेरी थाई रे थाई रे यदि हमारी धीरज खूटी जाय ते दिमाग यो हमारी काला या पानी सामुंड वारे माता जी ने के जे ये मेरो नाम मोडडे थी वारे आवसे तामुंड मजा आवसे रे तामुंड मजा आवसे आवसे तामुंड मजा आवसे। दोस्तों बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि और हमने देखा है कि इंसान की पहचान उसके कपड़े से होती है, और इंग्लिश में एक कहावत है कि अ मैन इज बेस्ट जज्ड बाय द वे ही इज ड्रेस्ड। सो ये कहानी शुरू होती है फ्रॉम द ईयर 1995। दो भाइयों ने मिलके ये जगह और जो काम ये लोग करते हैं टेलरिंग का काम, इसकी शुरुआत की थी फ्रॉम द ईयर 1995 इन कांदिवली। और पापा ने मुझे ये सिखाया है कि बेटा जो मुंबई की सबसे बेस्ट कपड़ों की जो स्टिचिंग होती है वो होती है यहाँ पे। सो जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये इनकी सेकेंड शॉप है, विच इज़ राइट हियर इन बोरीवली वेस्ट। पूरा एड्रेस मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट दिस शॉप स्टार्टेड इन द ईयर 2019 और श्री रसिकलाल जी चौहान, उनके सन श्री अल्पेश चौहान, वो यहाँ पे स्टोर का कारोबार एंड ऑल द वेरियस थिंग्स ही हैंडल्स इट। ही इज़ अ वन मैन शो ओवर हियर। और चलिए अभी हम उनसे बातें करते हैं और जानते हैं ये स्टोर के बारे में और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज है। स्वागत है आपका दोस्तों केके टेलर्स में, और हमारे साथ है नन अदर देन मिस्टर अल्पेश चौहान जी। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। तो सर हमारे थैंक यू वंस अगेन। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके केके टेलर्स की जो हिस्ट्री है थोड़ा उनके बारे में बताइए, और क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज है आपकी यहाँ पे, एड्रेस, लोकेशन, और सबसे महत्व की बात कि केके टेलर व्हाई इज इट सो यूनिक। मैं अपना रिव्यू बाद में दूंगा, बट आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी शॉप का नाम है केके टेलर्स, ये बोरीवली वेस्ट में है। पहले है 1994 में कांदिवली से शुरू किया था जी, और अभी ये 2019 में ये बोरीवली शॉप चालू किया। ये रोशन नगर रोड पे है। हाँ जी, हाँ जी। और प्रबोधन ठाकरे हॉल और क्रोमा से अगर बोरीवली वेस्ट में आते हैं आप तो वहाँ से 5 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है। बराबर। और ओम शांति चौक से आते हो तो भी 5 मिनट का ही है। बराबर है। अपने शॉप के सामने ही स्टारबक्स अभी, दैट इज द मेन लैंडमार्क लोकेशन आप बोल सकते हैं, रोशन नगर रोड। हाँ, परफेक्ट। तो ये शॉप 2019 में चालू की मैंने जी, और हम लोग पूरा कस्टमाइज स्टिचिंग करते हैं, कोई रेडीमेड नहीं, कुछ नहीं। आप समझो कपड़ा जो दो आपके पूरा प्रॉपर मेजरमेंट से बनता है, और पूरा आपके मेजरमेंट और आपकी जो चॉइस है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरा उसका हम लोग समझ के, बराबर, उसका पूरा कटिंग होके आपको ट्रायल दे के आपको पूरा फाइनल बना के देते हैं। बराबर है। और सूट, शेरवानी, इटालियन ट्रेडिशनल वेस्टर्न, ट्राउजर, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, टोटल जेंट्स में टोटल सब कुछ बनाते हैं। बराबर है। और लेडीज में भी कॉर्पोरेट वेयर बनाते हैं। अच्छा। मीन्स ट्राउजर, शर्ट एंड ब्लेजर। ओके, वेरी नाइस। और आप किड्स और बच्चे लोग के भी कपड़े करते हैं? अभी जो ट्रेंड चला है वो हिसाब से अभी ट्रेडिशनल में ना जो फादर सन, बराबर है, जो जोड़ी का जो बनता है, कॉम्बिनेशन जो बनता है, तो वो अभी शुरू किया है, तो हम लोग वो भी स्टिच कर देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अल्पेश जी, और एक हमको थोड़ा सा जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो अभी ट्रेंडिंग के जो डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ मटेरियल्स है स्पेशली ट्राउजर्स में, वो थोड़े हमको आप वैरायटीज थोड़े आपके दिखाएंगे। चलिए आगे। अपना रेमंड्स मिल जाएगा, मिल की ब्रांड का ही सब फैब्रिक रखते हैं हम लोग, जिसमें रेमंड आ जाता है, डोरी आ जाता है, जी जी, मोंटी, सोक्टास, ये सब जो फैब्रिक्स है वो सब टेरिबल फैब्रिक्स आते हैं। तो ये देखिए मिल का है, जे एम्स्टेड का है, ये जे एम्स्टेड है, करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल नोन फैब्रिक आउट इन द मार्केट। ये OCM का फैब्रिक आता है, और OCM CRM जो कि हम सुनते आते हैं, एग्जैक्टली। ये देखिए आप कपड़ा, इसको आप देखेंगे इसकी जो एक क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और अल्पेश जी के पास हम इतने सालों से यहाँ पे आते हैं, तो इनकी जो डिफरेंट जो वेराइटीज़ है या फिर द डिफरेंट स्टाइल्स जो कि मैं कह सकता हूँ, वो
वेरी यूनिक है और इन्हीं के पास हमको मिलती है और बाकी हमको मार्केट में देखने नहीं मिलती है। सो ये इनकी एक यूनिकनेस है। ये अपना जूट लिनन में फैब्रिक आता है, ये देखिए ब्लेजर्स बनते हैं, कैजुअल ब्लेजर बहुत प्यारे बनते हैं यहाँ से। ऐसे ही लगता है कि आपने ये जूट को हाथ में पकड़ा है। वेरी सॉफ्ट बाय द वे, और ये सब चेक्स में अलग अलग वेराइटीज है। इसमें प्लेन में भी है सर, पूरे प्लेन में पूरे। तो ये देखिए ये सब पूरे डिफरेंट, मेनली ये अपने ऑफिस में अल्पेश भाई और कॉर्पोरेट में यूजुअली ये अपने एकदम स्टैंडर्ड क्लासिक कलर हो गए अपने। और ये थोड़े डिफरेंट वेराइटीज में हो गए, लाइट शेड्स में है काफी सारे। एंड अगेन दीज आर ऑन द लिटिल बिट ऑन द ब्राउन साइड, किस थोड़े बेज कलर, कॉफी क्रीमिश और वो साइड में है। तो पूरी वेराइटीज है आपके पास अल्पेश भाई। और आपको शर्ट में भी मिल जाएंगे, शर्ट में भी चेक्स, लाइन, प्लेन, प्रिंटेड बराबर सब मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक कोई अच्छा सा हमको शर्ट का एक दिखाइए कोई जो आपका फेवरेट हो। ये देखिए ये कैजुअल, ये कैजुअल में जाएगा। हाँ, देखिए इटालियन मोंटी का है और ये फैब्रिक है। ओके, और 100% गीजा कॉटन। गीजा कॉटन जी सर। ये गीजा कॉटन मतलब ये इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस थोड़ा रहता है कि क्या होता है वो जो गीजा यान है तो उससे जो फील जो है ना जो वो सुपीरियर फील। Got it. इसको गीजा कॉटन कहते हैं। और ये है जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ये लिनन जूट है। और ये लिनन जूट है जो अभी हमने भी बनता है बराबर, जो बंडी भी बनता है बराबर। और काफी सारे ये हमने इसके देखे, काफी लोग पहनते हैं ये, स्पेशली पॉलिटिशियंस में ये काफी पॉपुलर है ये और ट्रेडिशनल ओकेजंस में। एग्जैक्टली, तो ये बेसिकली उनके हो गए शर्टिंग्स में। और ये सब ऊपर वाले प्रिंट शर्टिंग के है, ये सब कैजुअल शर्टिंग के लिए है। कभी कुर्ता भी बनता है, बराबर बनता है, सब मल्टीपर्पज है बराबर है। सब अभी प्रिंटेड जो बंडी चल रही है अभी, ये अभी करंट लेटेस्ट ट्रेंड है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है सब कुर्ता और बंडी पहनने का। तो ये देखिए, सो दीज आर ऑल द प्रिंटेड वंस। ये काफी हम देखते हैं लाइक जो बंडी या जो स्लीवलेस जैकेट जिसको बोलते हैं वो बेसिकली ये सब पैटर्न्स की बनती है। और ये सब है काफी मटेरियल ये देखिए आपको मिल जाएंगे। सो अगेन दीज आर ऑल द ट्रेडिशनल कुर्ता मटेरियल्स, तो बहुत वैरायटीज है। और ये यहाँ सब पूरा ऑफिस वेयर, प्रॉपर ऑफिस वेयर कलेक्शन है। ये देखिए ऑल द डिफरेंट शेड्स, जो लाइट शेड्स है जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस वेयर है वो है कलेक्शन। और ये पूरा प्लेन कलेक्शन हो गया, प्लेन कलेक्शन है। ये देखिए ऑल द डिफरेंट पिंक, अगर मैं नजदीक से जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा छोटे छोटे प्रिंट है यहाँ पे। और ये एकदम प्लेन्स वाले भी है, डिफरेंट शेड्स, थोड़ा सा हल्का सा पिस्ता और ग्रीनिश साइड पे भी है, फॉलोड विद द ब्लैक वंस। तो बहुत सारे वेराइटीज है अल्पेश भाई आपके पास जी। और ये और जो है ट्रेडिशनल में भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें ये सब जो जिसमें शेरवानी बनती है। तो ये देखिए बनते हैं, ये इनके सैम्पलर्स कहते हैं बेसिकली, ये सब स्पेशल। और ये वेरी एक्सक्लूसिव कलेक्शन, मैं इसको बोलता हूँ दिस इज द एक्सक्लूसिव कलेक्शन राइट, जिसमें आप समझो सिलेक्ट करते हैं, आप जो सिलेक्ट करते हैं उसमें आपके मेजरमेंट से सब बन जाता है बराबर है। ये देखिए अपना टोटल नवरात्रि वाला जी, गरबा वाला स्टाइल का आ गया पूरा। ये सबसे एवरग्रीन क्लासिक है। ओके, सब प्रिंटेड में, बहुत प्यारी चीज है, वेरी नाइस। तो देखिए ऑल द डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था दिस इज द एक्सक्लूसिव कलेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था। तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज है, शेड्स है, कलर्स है, लखनवी चिकन जो कहते हैं, देखिए ये पूरा लखनवी चिकन भी मिल जाएंगे। आप डिजाइन से बोल सकते हैं कि ये पूरी लखनवी चिकन की कारीगरी है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल शेड्स, ब्यूटीफुल डिजाइन। फैब्रिक्स डायबल रहते हैं, डायबल रहते हैं, तो आप जो आप शेड अभी कॉम्बिनेशन जो करवाते हैं तो वो कलर के शेड में आपका डाइंग हो जाएगा बराबर, समझा मैं। मतलब ये देखिए वाइट रखे एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस दे कैन डाई इट। ओके, के टेलर्स बोरीवली वेस्ट, अल्पेश चौहान जी। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमको अल्पेश जी ने सब डिफरेंट वैरायटीज बताई ट्राउजर्स में, शर्टिंग्स में, डिफरेंट वेस्टर्न्स में, दे हैव वेरी यूनिक कलेक्शन, वेरी एक्सक्लूसिव कलेक्शन। और जो अभी आप यहाँ पे ये सूट भी देख रहे हैं, इन्होंने खास हमारे लिए कस्टमाइज स्टिचिंग, मेरे हिसाब से जो फैब्रिक मुझे पसंद है वो हिसाब से उन्होंने बनाया। और ये देखिए फिटिंग वगैरह A7 नॉट A1 A7, मतलब इतना बढ़िया लगता है कि पहनने के बाद एक वो फील आता है और उससे एज यू से मेंस पर्सनालिटी एंड द मेंस कॉन्फिडेंस कम्स बाय द वे ही ड्रेसेस एंड द मैन बिहाइंड इज दिस गाय फॉर माई फादर फॉर माई सेल्फ। एंड काफी सारे लाखों ऐसे कस्टमर्स है जो अल्पेश भाई और रसिकलाल चौहान जी के दीवाने हैं।
और ये जो सब आप यहाँ पे पैंट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जस्ट अभी हमने ऑर्डर दिए थे और इनके पास बनवाए थे। तो ये देखिए कितने नीट एंड कितने ऑसम इसकी स्टिचिंग पूरी हुई है, कस्टमाइज, जो यूजुअली रेडी वेयर में हमको नहीं मिलता है। काफी बार ऐसे होता है कि अगर लेंथ कम नीचे हो सकती है, बट लाइक स्पेशली यू नो फॉर गाइज, यू नो द जो हमारा वेस्ट का पार्ट होता है, द पॉकेट का पार्ट होता है, या फिर ये जो हमारा थाइस का पार्ट होता है, द रेडीमेड डजंट कम्स विद दैट द कस्टमाइज रिक्वायरमेंट दैट यू हैव। सो ये हमको कृपेश भाई के वहाँ ये हमको सब मिलेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नीट है इनकी स्टिचिंग और कस्टमाइजेशन की जो कारीगरी बोल सकते हैं। और ये डिफरेंट शेड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा ऑफिस वेयर का बनाया है, थोड़े से हमने ब्लैक में लिया है, थोड़ा सा लाइट पर्पल या फिर ग्रेप वाइन कलर है उसमें ले लिया है, और ये एक थोड़ा सा मल्टी कलर में है। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी आपको लाइनिंग भी दिखेगी डिफरेंट शेड्स की, तो दिस इज लाइक इट विल गो गुड ऑन ऑल द डार्क शेड्स, और इवन लाइट शेड्स के भी ये बिल्कुल ही सही जाएगा। और जो इनकी नॉलेज है वो तो मतलब तोबा तोबा, इनकी नॉलेज को आप बीट नहीं कर सकते हो। ही नोज व्हाट वुड फिट यू फॉर योर पर्सनैलिटी फॉर द ओकेजन, ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो डेफिनेटली अ वन मैन विथ ऑल द डिफरेंट टेक्निक्स एंड वेराइटीज। और अल्पेश भाई, जो आपका जो आपके कारीगर वगैरह है या फिर जो वो कहाँ स्टिचिंग वगैरह के सब काम, हाँ, सब कैसे अपने होता सब है? खुद के ही वर्कशॉप है, वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप मेरा खुद का ही है, और कारीगर सब अपने ही काम करते हैं। बराबर है, ऐसा कोई नहीं है कि जॉब वर्क किसी को देना है। बराबर, ऐसे बाहर वाले का, क्योंकि उसमें यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि फिर डीले वगैरह सब हो जाता है, होता है, और क्या है मेजरमेंट और कटिंग वो पूरा हमने हमारे पास ही रखा है, ऐसे उसके लिए कोई मास्टर भी नहीं रखे। बराबर है, समझो मास्टर ने मैंने एक थर्ड पार्टी ने किया और फिर आपने इसको दिया, तो उसमें पूरा पर्सनलाइज यानी आपका पूरा मेजरमेंट से लेके एंड प्रोडक्ट तक यानी मेरे अंडर ही होता है पूरा, आपके सुपरविजन, मेजरमेंट भी मैं ही लूंगा, ट्रायल भी मेरा ही होगा। बराबर है, और फिनिश होने के टाइम भी मैं रहूंगा, आप रहते हैं, यानी अगर ये ओके है तो ही मैं डिलीवर करूंगा। और अभी भी जस्ट फॉर एग्जांपल यही पैंट में बिल्कुल सब सही था, बस थोड़ा सा खाली पॉकेट के वहां से थोड़ा सा मेजरमेंट में 18-20 का फर्क है, तो अल्पेश भाई ने कहा कि नहीं ये पूरा परफेक्ट करेंगे फिर आप वापस आके लेके जाइएगा। एंड इज अ वेरी ऑन टाइम पर्सन, जो समय देंगे वो बिल्कुल वो टाइम पे आ जाएंगे, एंड जो डिलीवरी का टाइम है वो भी वो एकदम ध्यान में रखते। जैसे कि अभी ईद का टाइम था बीच में, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पहले थोड़ा ट्रायल कर लीजिए, तो वो हिसाब से आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू गेट एट द राइट टाइम। तो टाइम के बड़े ही पक्के हैं, सबसे एकदम कहते हैं कि टॉप नोच पे वो मेरे लिए वो पॉइंट आता है। वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, हमेशा हंसते रहेंगे, फोन करेंगे तो जय माता जी बोलेंगे, ही विल ग्रीट यू वेरी नाइसली, आएंगे तो चाय पानी आपको देंगे। और उनके फादर साहब और मेरे फादर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिस गोज बैक बिफोर 2000, तो ये जो इन्होंने एक लेगेसी है वो इन्होंने कंटिन्यू रखी है, और वही लेगेसी मेरे फादर की मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ कि इनके पास से ही मैं कपड़े स्टिच करता रहता हूँ। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए, इफ़ यू आर क्लोज टू कांदीवली, कांदीवली आपको सूट होता है तो वहाँ पे जाइए, इफ़ यू आर हियर इन बोरीवली डेफिनेटली कम इन बोरीवली, और अगर आपको चर्चगेट से भी आना पड़े तो ज़रूर आइए बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अल्पेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द ग्रेट इंट्रोडक्शन, और जो भी सब डिटेल्स आपने हमको बताए, जय माता जी, जय।